नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिस पर मिलती रहती है आर्मी भर्ती के जो भी पेपर लगते हैं उसका सॉल्यूशन। चलो दोस्तों, आज मैं करवाने वाला हूं आर्मी टीए भर्ती 2019, जो 1 दिसंबर 2019 यानी कल ही की डेट में जो पेपर लगा है उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जीके और साइंस के कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं और एक वीडियो अभी मैं शीघ्र ही अपलोड करने वाला हूँ जिसमें जीके और साइंस के पूरी क्वेश्चन 30 के 30 करवाने वाला हूँ। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जानकारी सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हमें प्रोवाइड किया है चंदन यादव ने, तो मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन हमारे पास पहुँच गए हैं जो किसी चैनल के पास अभी तक नहीं पहुँचे हैं, सबसे पहले मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो कर दो लाइक। चलो बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, वो आया था चक्रवर्ती ब्यास से। किससे आया था? चक्रवर्ती ब्यास से। क्या क्वेश्चन आया था? 2000 रुपये का 10% दर से। क्या आया था? 2000 रुपये का 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होता। तो आपको पता है 2000 रुपये, 2000 गुणा कितनी बार लिखना पड़ेगा? 110/100, 110/100 लिखना कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष है। 110/100 इसको आप हल करोगे तो आपका ये क्या आने वाला, ये आएगा आपका मिश्रधन आएगा। मिश्रधन कितना आएगा? 2662 रुपये आएगा। कितना आएगा? 2662। इसका मतलब ब्याज की बात करें, 2000 रुपये था तो कितना हो गया? 662। कितना हो गया? 662 रुपये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। ये क्वेश्चन का जवाब हुआ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, चलो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आया था, क्या था? 15, 12, 20 का चतुर्थ अनुपात बताओ। तो आप सबको पता है चतुर्थ अनुपात यानी ABC आपको संख्या दे दे और चौथी संख्या आपको ज्ञात करना हो। अनुपात की बात करें तो समानुपात लगा के ऐसा हो। तो आपको पता है एक्स का मान क्या होगा? बी गुणा सी बट्टे क्या होगा? ए होगा। सीधी सी बात है, इन मध्य पदों का गुणा और एक्स के साथ आएगा उसका भाग लगेगा। तो यहाँ बात करें तो 12 गुणा 20 बट्टे कितना दे रखा है? 15। अब यदि इसको काटे 5 से तो ये 4 बार और ये 3 बार, ये 3 से कटा 4 बार, 4 को 4 से किया कितना आया? 16। आपका उत्तर कितना आने वाला है? 16 आने वाला है, जो कि ऑप्शन ए राइट होगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ करवाता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दो। चलो अब बात कर लेते हैं, यदि कोई संख्या 25% बढ़ने पर 80 हो जाती है। ये क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पीछे मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो, और काफ़ी सारे पेपर लगे हैं वो भी अपलोड है। यदि आपके भविष्य में आर्मी का पेपर लगने वाला है तो जल्दी से इस चैनल को विजिट करो और सारे वीडियो देख लो एक बार, जीके साइंस और मैथमेटिक्स के जो भी वीडियो अपलोड कर दिए गए। चलो बात कर लेते हैं 80 हो जाती है। 80 क्या किसके बराबर है? 25 बढ़ने पर भी ना, इसका मतलब 125 के बराबर क्या हुआ? 80 हुआ। और 1 के बराबर ज्ञात करा तो 80/125, और कितने के बराबर ज्ञात करना? वह संख्या क्या है? माना था वो संख्या 100 है। 25 से काट दो कितनी बार? ये 25 से कटा 5 बार। अब बात कर लेते हैं, काट दिया 25 से ये 4 बार और ये 5 बार। अब बात करें, ये काट दिया हमने, 5 से कितनी बार कटेगा? ये 16 बार, 16 64, तो वह संख्या क्या है? 64 है। संख्या क्या है? वो 64, यानी आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा है। ये क्वेश्चन तो मैंने जो अभी भर्ती लगी थी उसमें भी करवाया था, एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, वो सम संख्या का था और ये सीधी संख्या का है। क्या है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है। क्रमागत संख्या इसका मतलब बीच वाली संख्या आपको कितनी दे दी? 23 दे दी। आगे वाली 24 और 25, और इधर वाली क्या हुई? 22 और 21। आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो कितनी हुई? 21 हुई। बड़ी संख्या की बात करें तो ये होगा, छोटी पूछ जाती है, इसका मतलब कितना होगा? आपका ऑप्शन ए राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आर्मी लेवल का एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आया था। क्या है? 108 किलोग्राम 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो बात करें तो 108 बट्टा कितना लगाना पड़ेगा किसके आगे है का? यहाँ 270 के आगे, तो गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 करते हैं। अब देखो जो कट रहा है काट दो, ये कटा कितनी बार? 4 बार, 27 से 108, फिर 4 गुणा 10 यानी 40%। कितना प्रतिशत है? 40%। ये आपका क्या होगा? उत्तर होगा, ये ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपके आया था, क्या आया था? एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि आपकी इकाई से संबंधित है, कितने लीटर मीटर, इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 1 गैलन में यदि लीटर की बात करें तो आप सबको मालूम होगा 3.785 होता है, ये एकदम फिक्स मान है, ठीक है। और कई बार आपको ये नहीं मिले ना, तब आपको ये भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में था तब आपको ये करना पड़ेगा, ये एकदम राइट आंसर ये माना जाएगा।
और फिर ये तो नहीं करना होगा क्योंकि ये दे रखा है तब तो। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है? 10। अब बताए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब कह दो या ऊंचाई कह दो। 1/2 आधार कितना दे रखा है? 10। और लंब कितना दे रखा है? 6। काट दो कितनी बार कटा? 5 बार। फिर कितना है ये? 30 मीटर है या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है इकाई। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि क्या जोड़ा जाए? ये क्वेश्चन आपको पता है, 16,269 में क्या जोड़ा जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए? तो पूर्ण वर्ग बन जाए इसके बारे में क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आपको पता है यहाँ जगह कम है तो मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा। ये भाग विधि से होगा, हालांकि मैं पूरा 16 आपको करवा सकता था लेकिन यहाँ पूरा नहीं, मतलब यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको। पहले एक लेके फिर आपको बताया अगले वाली संख्या लेके, और कितना जोड़ने की बात करें तो 125 जोड़ना पड़ेगा ये, ठीक है? ये इस तरह भाग विधि से आप कर सकते हो। अंतिम में जो आपका शेषफल बचेगा उसके अनुसार आप देखना कितना जो देखते हैं, ठीक है? इसके अनुसार ये होगा, इस तरीके से आप करके देखना एक बार। इसका आंसर होगा डी, राइट, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या था, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 108 और 18 है, यदि एक संख्या 36 है दूसरी संख्या बताओ। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। यदि आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो दूसरी संख्या का आपको पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बट्टा पहली संख्या करते हैं। क्या करते हैं? पहली संख्या करते हैं। यदि इसको इस तरह आप हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा कितना आएगा? चलो मैं करके बताता हूँ। 108 गुणा कितना करना आपको? 18 बट्टे कितना दे रखा है? 36। 18 दुणा कितना हुआ? 36। 2 से काटा ये कितनी बार? 5, 54। उत्तर कितना आएगा आपका? 54 आएगा। 54 कौन सा है? ये बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन उत्तर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्या क्वेश्चन आया था? 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? पहले बात कर लेते हैं, यहाँ दूरी दोनों का योग होगा। दूरी कितनी होगी? दोनों को जोड़ो। 110 कितने कितना हुआ? 110 और 240, ये जोड़ दो कितना होगा? ये होगा 350। कितना होगा आपको ज्ञात करना है? समय। समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ बात करें तो दोनों का योग कर दो, कितना है आपका योग? योग की बात करें तो यहाँ देखो ये हो गया 350 हुआ। कितना हुआ? 350 बट्टा चाल आपकी यहाँ दे रखी है कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5/18। तो 5 और 18 ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ भाग में होगा तो ऊपर घूम जाएगा, ठीक है? अब बात करें यहाँ से 0 से 0 काट दो यहाँ, फिर आपको पता है 6 से कटा कितनी बार? 3 बार। और फिर 5 से काट दो कितनी बार? 7 बार। तो 7 3 कितना आएगा? 21। 21 आपका सेकेंड लगेगी। तो हो सकता है क्वेश्चन के, कई क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का हो सकता है आंकड़ा भिन्न हो, लेकिन इस तरह से यदि ये आंकड़े थे तो आपका 21 सेकेंड आने वाला उत्तर, ठीक है? तो ये करवाया मैंने सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, 200 व 300 के मध्य कितनी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है? तो ये आपको समांतर से एफडी के माध्यम से अभी आप कर सकते हो, अदरवाइज सीधा भी कर सकते हो। आपको बताए पहली संख्या क्या होगी? 205 होगी, फिर 210 होगी, फिर चलती जाएगी कहाँ तक होगी? 295 तक होगी, क्योंकि 300 को तो शामिल नहीं करना। अब आपको ज्ञात करना है एन का मान। एन का मान ज्ञात करने के लिए समांतर साइड में आपको पता है an - a/d+1, ये होता है फॉर्मूले के माध्यम से, यह सीधा भी कर सकते हो। चलो 295 माइनस कितना करना पड़ेगा? 205/d का मान 5+1। यदि 295 में से घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचने वाला? 90। 90/5 यानी 18 पॉइंट कितना होता है? 90। तो 18+1 यानी कितना? 19 पद होगे, जो क्या होगे? पूर्णतया बात करें 5 से विभाजित होगा तो इसका उत्तर कितना होगा? 19 होगा। कहीं आप 20 करके आए होगे तो गलत है वो, इस तरह से क्वेश्चन था। तो अब हो सकता है क्वेश्चन में 5 या अलग संख्या हो तब तो वो आप निकाल लेना, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन था दोस्तों। आज मैंने करवाए मैथमेटिक्स के 11 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उसके पास मैथमेटिक्स का भी पेपर पहुंच जाए और मिला सके कि कितने क्वेश्चन उन्होंने राइट किए। और भी दोस्तों कोई पेपर लगता है या इस पेपर के भी कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपके पास है तो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 90-57-16-70-27। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइए। आज कितनी मेहनत से मैंने वीडियो तैयार की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।